गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंट हियर टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट नेम्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स की डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज को लेके कौन से एंगल को क्या कहा जाता है, आज उसी के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की अंत तक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से यू ऑल दैट दिस इज नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स यू आर वेरी मच नोन ओवर दिस, दैट इज 90 डिग्री। इफ ए कॉर्नर और इफ एन एंगल हैज 90 डिग्री, इट इज नोन एज ए राइट एंगल। देन लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज इट्स एक्यूट एंगल। मतलब 90 डिग्री से अगर कम है तो उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है, और 90 डिग्री से अगर जाता है मतलब उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। OBTUSE ANGLE ऑब्ट्यूस एंगल। इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, एंड एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। जो एक एंगल को सेपरेट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसे कहा जाता है बाइसेक्टर। मतलब इट इज सेपरेटेड और डिवाइडेड इक्वली टू पार्ट्स, इट इज नोन एज बाइसेक्टर। ओके, एंड वर्टेक्स मीन्स इट्स कॉर्नर इज नोन एज इट्स वर्टेक्स। ओके, यू कैन सी हियर द साइन हैज बीन गिवन एज यूजिंग द एरो मार्क। आफ्टर दैट आई कैन से यू स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स इट हैज 180 डिग्री। इट मीन्स ये 180 डिग्री होता है, सीधा लाइन होता है, इसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। देन मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मतलब एक सर्किल का 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 से कम और 180 से ज़्यादा जब होता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सी यू कम्प्लीमेंटरी एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स टोटलिंग 90 डिग्री। इट मीन्स दो एंगल मिलके जब 90 डिग्री होता है उसे कहा जाता है कम्प्लीमेंटरी एंगल। यू कैन सी हियर, एक एंगल बड़ा है, एक एंगल छोटा है, फिर भी दोनों मिलके 90 डिग्री कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कम्प्लीमेंटरी एंगल्स। देन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? एडजेसेंट एंगल उनको कहते हैं दो एंगल मिलके कोई एक एंगल कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। इट मीन्स कोई एक एंगल बीच में है और उसी के साथ दूसरा एंगल भी जुड़ के है, उसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। दैट मीन्स बोथ द एंगल्स हैव बीन अटैच्ड विथ ईच अदर एंड मेड ए न्यू काइंड ऑफ एंगल। ओके, देन और एडजेसेंट एंगल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो टोटल एंगल है वो दोनों एंगल से बड़ा ही होता है। ओबियसली 2 रुपये 2 रुपये मिलके 4 रुपये होगा, और 4 रुपये से 2 रुपये कम ही होता है। ठीक उसी तरह एडजेसेंट एंगल जो बड़ा वाला एंगल बनता है, दो एंगल मिलके वो दो एंगल उससे छोटा रहता है। ओके, पर इससे 90 डिग्री नहीं होता। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा कम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स टोटलिंग 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है, ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री जब होता है इसे कहा जाता है कम्प्लीमेंटरी, और ये 90 डिग्री से कम हो गया तो इसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। ओके, देन सप्लीमेंटरी एंगल, एडजेसेंट एंगल जो दो एंगल मिलके 180 डिग्री हो तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंटरी एंगल। ओके, एडजेसेंट एंगल्स टोटलिंग 180 डिग्री, जो 180 डिग्री होता है दो एंगल मिलके उसे कहा जाता है सप्लीमेंटरी एंगल्स, पर अगर 90 डिग्री हुआ तो उसे कहा जाता है कम्प्लीमेंटरी एंगल्स, और 180 डिग्री हो जाए तो उसे सप्लीमेंटरी एंगल्स कहा जाता है। देन कंजुगेट एंगल्स, कंजुगेट एंगल्स मीन्स एडजेसेंट एंगल्स टोटलिंग 360 डिग्री। दैट मीन्स दो एंगल मिलके एक सर्किल क्रिएट करे, 360 डिग्री क्रिएट करे, तो उसे कहा जाता है कंजुगेट एंगल्स। ओके, जैसे कि दो एंगल मिलके 180 डिग्री करे तो सप्लीमेंटरी एंगल, दो एंगल मिलके 90 डिग्री करे तो उसे कम्प्लीमेंटरी एंगल, और ठीक उसी तरह दो एंगल मिलके 360 डिग्री करें तो उसे कहा जाता है कंजुगेट एंगल्स। ओके, नाउ ऑपोजिट एंगल्स, यू कैन सी हियर रेड मार्क में किया गया है, रेड कलर में कलरिंग किया गया है, उसको कहा जाता है ऑपोजिट एंगल। मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में हो।
देन अल्टरनेट एंगल किसको कहा जाता है, यू कैन सी हियर रेड मार्क में किया गया है, रेड कलर दिया गया है, ये जो है इसका ऑपोजिट ये अल्टरनेट है, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल है इक्वल वैल्यू, जबकि ये दोनों लाइन सेम है और ये दोनों एंगल सेम है, इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, यू कैन सी हियर। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोई दो लाइन समान होके गया है, मतलब इक्वल पैरेलल में गया है और एक लाइन उसको क्रॉस किए है, तो ये एंगल कहा जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब दोनों एक साइड जाके है, रेड कलर में मार्किंग किया गया है, इसको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, आशा करता हूँ कि एंगल्स के बारे में ये शॉर्ट नॉलेज आपकी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम और अदर्स एग्ज़ाम में काम आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टेक केयर।